राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से राय मांगी। इसका फैसला करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और फोन पर एक संदेश के जरिए तीनों राज्यों में सीएम पद के लिए सबकी पसंद पूछते सुनाई दिए। खास तौर पर रिकॉर्ड किए गए इस मैसेज की शुरुआत में राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। नमस्कार, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। विधानसभा चुनाव जीतने पर कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत करने के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। आप पोलिंग बूथ पे खड़े हुए, आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ी और आप जीते, इसके लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। राहुल यही नहीं रुके बल्कि बिना वक्त गंवाए उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी राय भी पूछ ली। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण आप कौन होना चाहिए, कृपया सिर्फ एक नाम बताइए। आप जो नाम बताएंगे वो सिर्फ मुझे पता होगा, पार्टी में किसी भी और को नहीं पता लगेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने इसी ऑडियो मैसेज में सीएम पद के लिए अपनी पसंद दर्ज कराने का तरीका भी बताया। अभी आपको एक बीप सुनाई देगी, उस बीप के बाद आप जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनका नाम कह दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राज्यों में मुख्यमंत्री के सवाल पर कांग्रेस नेतृत्व भी असमंजस में है, जिसकी वजह से पार्टी ने कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए ये तरीका ढूंढा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया है, यानी कि अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। देखिए, आप पहले ऑब्जर्वर को बुलाया गया, कल रात को ऑब्जर्वर पहुंचे, ऑब्जर्वर से